हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। और मौसम हो रखा है फर्स्ट क्लास, पूरी रात मस्त बारिश हुई है नॉन स्टॉप और अभी तक के हो रही है, और हल्का हल्का मैं भीग भी रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो अपनी हो रही है GoPro 8 पे, तो इसकी भी वाटरप्रूफ टेस्टिंग लगातार चल रही है। अभी तक तो खैर कोई दिक्कत हुई नहीं है इसमें। एंड गाइज, अगर बात करें अपने मोहन नगर एरिया की, सो ये बन गया है आईलैंड। मैं दिखा देता हूँ आपको किस वजह से आईलैंड बन गया है। तो गाइज, ये तो है अपने हाउस का फ्रंट साइड, यानी अपने घर का फ्रंट साइड, और ये देख सकते हो यहाँ की जो मिट्टी है वो भी बह गई है। सामने जो एरिया है इसमें सारे में पानी पानी हो रखा है, ये देख सकते हो आप। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये आइलैंड बन गया है। ये है अपना फ्रंट साइड। लेफ्ट साइड की अगर बात करें, सो आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है गली में जो पानी है वो पूरा किस तरह से भर जाता है, तो देख सकते हो आप इधर पूरे में पानी हो रखा है। और जो बाकी के दो साइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मतलब कुल मिला के पूरा लग रहा है कि हम लोग आइलैंड में हैं। ये तो खैर काफ़ी कम था। और साथ में दूसरा और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है घर का बैक साइड। इस तरफ इतना पानी तो नहीं भरता, लेकिन जो ये बाउंड्री डली हुई है उसके बाद का आप देखेंगे सो उधर काफ़ी पानी है। और पीछे अगर आप देखेंगे सो जो ग्राउंड बना हुआ है उसमें तो पूरा पानी हो रखा है, मतलब अच्छा खासा बड़ा तालाब आपको नज़र आ रहा होगा। सो इस वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मोहन नगर बन गया आइलैंड। और बात करें अगर घर के राइट साइड की, सो इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो सारे में पानी पानी हो रखा है। कुछ पार्ट मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था और बाकी ये देख सकते हो आप। एंड गाइस, साथ में मैंने आप लोगों से बोला था कि जो गुड न्यूज़ है वो हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। सो एक्चुअली कल की वीडियो में भी मैंने बोला था, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले पता नहीं कैसे ध्यान से निकल गया, तो मैंने कहा चलो एक दिन और लेट सही। लेकिन आज मैं और इवन अभी डिस्क्लोज कर देता हूँ जो गुड न्यूज़ है। सो गुड न्यूज़ ये है कि हमने एक और एक नया प्लॉट ले लिया है, जो कि भाई के ले लिया है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये है हमारे घर की दीवार, और इसके बाद 12 फुट का स्पेस छोड़ करके उसके बाद जो ये एरिया दिख रहा है, सो 100 गज का एक और एक प्लॉट है वो हमने लिया है भाई के नाम पर, यानी भाई के लिए वो लिया है। और कुछ हद तक की जो सफाई है वो मैंने इसमें करी है, लेकिन फिर उसके बाद कर नहीं पाया क्योंकि कल तो बारिश रही है और पूरी रात भी बरसती रही। सो एनीवेज, इसको खैर कर देंगे हम सफाई, तो आपको फिर दोबारा से एक बार ठीक से दिखा देंगे जो एरिया अपना नपेगा पूरा। सो वैसे तो ये जो घर है इसके पीछे से लेकर के और ये कोना अगर जहाँ तक आप देखते हो सफाई हो रखी है। सो 20 फुट का एरिया है और 45 फुट ऐसे में है इसकी जो डेप्थ है। सो कुल मिलाकर के 900 स्क्वायर फीट हो गया ये अपना, यानी 100 गज। सो देखते हैं कि इसमें करेंगे क्या, क्योंकि जब एरिया हमारे पास है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शायद व्लॉग में भी हमारे यूज़ होगा, क्योंकि पहले तो इसकी प्रिपरेशन, वैसे तो हम सोच रहे हैं अभी घर तो बनाएंगे नहीं इसमें, सो बाउंड्री करके देखते हैं इसमें, या तो कुछ घर के यूज़ के लिए जो साग सब्जी है वो हम लोग बोएंगे, या फिर देखते हैं शायद जो अपनी मुर्गियां हैं उनको या तो हम नीचे शिफ्ट करेंगे। सो कुछ ना कुछ प्लान इस तरह का हो रखा है। सो एक सेपरेट एरिया हमें मिल गया है 100 गज का, जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, वैसे तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं खेती के लिए, और साथ में मेरा कुछ प्लान ये भी हो रहा है कि हम इसमें पॉपुलर बो दें, क्योंकि अभी कुछ समय तक के तो हम इसमें बनाएंगे नहीं कुछ, और जैसे पॉपुलर भी अगर हम लगाते हैं तो नीचे खेती भी आराम से हो जाएगी, तो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगा स्पेस का। सो कुछ ऐसी मेरी प्लानिंग है, बाकी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। सो गाइज, यही थी गुड न्यूज़, और काफ़ी खुशी की बात है कि हमारी फैमिली में एक प्लॉट हमने और लिया है, और साथ में अपना ये घर है ही। हालांकि हमारा कुछ नहीं है, ना मेरा कुछ है ना भाई का कुछ है, सब कुछ पापा का है। सो पापा ने दिलाया है, ये घर बनवाया है पापा ने मेरे लिए, साथ में जो भी प्लॉट है वो भाई को दिलवाया। सो गाइस, चलो लेट्स कंटिन्यू। और अभी मौसम तो आप खैर देख ही सकते हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, और टाइम भी लगभग बज गया है 9। सो चलो मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। और साथ में आज फिर दोबारा मेरे को इस नाले से ही जाना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं एक बच्चा वहाँ से जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को शो करा था कि जब यहाँ पर पानी भरता है इस साइड में रोड में, सो अगर हम पैदल जाते हैं तो नाले से चले जाते हैं, अदरवाइज़ अगर बाइक ले करके जाएंगे सो मेरे को इस तरफ से जाना पड़ेगा। हालाँकि इस तरफ इतना पानी तो नहीं है, निकल जाऊँगा मैं ईजीली। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2, और मैं आया था लंच करने के लिए, सो लंच मैंने कर लिया है, और अभी छत में थोड़ा बहुत काम है। असल में जैसे पूरी रात बारिश हुई थी, सो मुर्गियों का जो कमरा है उसमें भी पानी पानी हो गया सारे में, तो फिलहाल नीरू उसकी सफाई कर रही है। सो डैनियल और नीरू तो कर रहे हैं मुर्गियों का कमरा साफ, और जो छोटे वाले चूज़े हैं उनको निकाल दिया है बाहर, और बाकी जो दूसरे चूज़े हैं भी उनको भी निकालेंगे, क्योंकि अंदर की जो कंडीशन है वो ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हो सारे में पानी पानी हो रखा है,
पानी पानी तो नहीं, मतलब गीला गीला हो गया है सारे में। सो नीरू अभी इसको साफ कर देगी धुल के, और मैं निकल जाता हूँ अभी ऑफिस के लिए, फिर दोबारा से शाम को आते हैं और मुलाकात होती है आप लोगों से फिर दोबारा शाम को। किसका और अभी कमान कमान डेनियल क्या करवा रहा, करवा रहा कुछ काम मम्मी के साथ? गंदा है बाबू वो। देख ले बाबू, मम्मी कर रही ना सफाई। ओके सारा निकालोगे जाल वाल? क्या बनाओगे? वीडियो बनाऊंगा, वीडियो मैं वीडियो बनाऊंगा। ओ भाई सभी की को रख लो दोनों सबाई के लिए। सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ दोबारा ऑफिस के लिए, और मैं सोच रहा था बाइक ले जाने के लिए, लेकिन जो बारिश है वो फिर दोबारा से शुरू हो रही है। सुबह तो खैर मैं पैदल गया था, और अभी किसी के साथ आया था मैं बाइक में घर तक, तो उनको मैंने वापस भेज दिया है। लेकिन अब दिक्कत ही हो गई है कि दोबारा से हल्की हल्की बारिश होने लगी है, और अभी इतनी नहीं हुई है। सो मैं सोच रहा हूँ बाइक लेकर के बस निकल जाऊँ, शाम को आते हुए तो खैर भीग कर भी आ जाएंगे घर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो चलता हूँ मैं ऑफिस के लिए। और बात करें अगर घर के काम की, जो प्लास्टर का चल रहा है, सो उसमें आज मिस्त्रियों ने कर रखी छुट्टी, आधा पोर्शन उन्होंने कर दिया है कल ही, लेकिन आज तो जैसे सुबह भी बारिश थी और अभी फिर दोबारा से बारिश हो रखी है, सो उन्होंने छुट्टी कर रखी है। सो होपफुली अगर कल मौसम सही रहता है सो तब जाके काम आगे कंटिन्यू होगा। तो गाइस टाइम हो गया है शाम के 6:15, और अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। ऑडियो में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आए, क्योंकि पीछे मंदिर है उसमें चल रहा है भजन, और फिलहाल अभी काम चल रहा है, सारी मुर्गियों को बाहर कर रखा है, क्योंकि जो इनका केज है अंदर से वो सारे में गंदगी हो गई थी, तो सारे में धोया है क्योंकि बारिश का पानी हो गया था। और फिलहाल भाई इसकी सफाई कर रहे हैं, फिनाइल वगैरह इसमें डाल करके प्रॉपर इसकी सफाई कर रहे हैं। और गाइस अगर बात करें आसपास की, तो ये देख सकते हो किस तरह से जो बच्चे हैं वो पानी में घुस रहे हैं, और सारे में पानी पानी हो रखा है एकदम घरों के आगे, दिक्कत हो रही है। पीछे मैदान का मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, सो अभी तो खैर काफ़ी हद तक के सूख गया है। सो गाइस अभी टाइम हो गया है डिनर के लिए, और नीरू फिलहाल बना रही है गरम गरम फुलके, सो बस होने वाले हैं, लगभग लास्ट है। हाँ एक और एक बच रहा है अभी इसके परात में, सो ये दो तीन फुलके और बच रहे हैं, ये बनने के बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर। और सब्जी में है चिकन, और चिकन भी इसलिए क्योंकि आज मम्मी पापा चले गए वापस घर, सो दिन में बनाया था, सो वही बचा हुआ है, वही हम लोग खाने वाले हैं अभी। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सावन चल रहा है, पता नहीं इनका चिकन बंद क्यों नहीं होता है। सो गाइज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि नेवर रिलेट योर फूड विद योर रिलीजन, यानी अपने धर्म से अपने खाने को कभी मत जोड़ना। सो गाइज हम लोग तो खैर ये मानते नहीं है, कभी भी खाओ, जैसे अंडों के लिए बोला जाता है संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, सो सेम कुछ भी हो कभी भी मन करे खाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि मंगलवार को नहीं खाना है, वो अपने अपना मानने वाली बात है। सो जैसा आपको पसंद हो, नहीं पसंद है तो मत खाओ, पसंद है तो खाओ। और बस ये लास्ट रोटी है, और अब हम लोग बैठ रहे हैं डिनर के लिए, सो बस रेडी है, चिकन एक बार गरम कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग बैठ रहे हैं खाने के लिए। सो चिकन भी अपना ऑलमोस्ट रेडी है, गरम हो गया है। और अभी नीरू कह रही थी कि कई लोग ये कहते हैं कि लव मैरिज में रोटी देख लिया करो कैसे गली हुई फूकी हुई होती है, कि लेकिन जो हमारे घर में है कि रोटी इतनी साफ़ सुथरी बनती है एकदम गोरी गोरी, हमारी भी लव मैरिज है और हमारे घर में खैर आज तक कभी जली हुई रोटी नहीं बनी, ऐसे ही बनती है साफ़ सुथरी, और इवन हर एक रोटी फुली फुली बनती है दोनों साइड से, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना बोलो आप लोग कि एक साइड से जली हुई दूसरी साइड से तो खैर ठीक ही दिख रही है। सो नॉर्मल है, रोटियाँ अच्छी बनती है सारी फुली फुली, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लव मैरिज करोगे तो जली हुई रोटी मिलेगी। प्यार करो, प्यार बढ़ाओ और बिंदास रहो बिल्कुल एकदम। तो चलो अब डिनर का टाइम है, कर लेते हैं फटाफट अपना डिनर। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 12:15, और मेरी एडिटिंग हो गई है कंप्लीट, और साथ में आज का ये है हमारा ब्लॉग नंबर 50, यानी हमारी जो हाफ सेंचुरी हो गई है कंप्लीट। और ब्लॉग्स की अगर हम बात करें तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि डेली बेसिस पर जो ब्लॉग है वो आए, और साथ में जहाँ तक मेरे को ध्यान है व्लॉग नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो व्लॉग्स है वो कंटिन्यूस नहीं आ पाए थे, बीच में एक दो दिन का गैप रहा था, लेकिन व्लॉग नंबर 11 से अगर आप देखेंगे और आज के यानी व्लॉग नंबर 50 तक, सो नॉन स्टॉप जो व्लॉग्स हैं वो हमारे आए हैं, किसी भी दिन का गैप नहीं हुआ है। सो होपफुली ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू हो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर जो हमारे व्लॉग्स हैं वो अपने चैनल पर आए। और इसीलिए गाइज आप लोगों से बोलते हैं कि आपका सपोर्ट हमें चाहिए। सो गाइज यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें,
साथ में वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वंस अगेन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।